जोशीमठ में होटल पर कार्रवाई करने पहुंची प्रशासन की टीम का विरोध। आज मीटिंग के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई। तोड़फोड़ से पहले मुआवजे की मांग कर रहे लोग। जोशीमठ में फिलहाल किसी भी प्रभावित भवन पर नहीं चलाया जाएगा बुलडोजर। मजदूरों और ड्रिल से गिराए जाएंगे प्रभावित भवन। अब तक कुल 723 भवन असुरक्षित। जोशीमठ के हालात पर आईटी कानपुर के भूवैज्ञानिकों का बयान। कहा जोशीमठ के हालात बेहद खराब। हल्का सा भूकंप लाएगा बड़ी तबाही। आजादी के बाद पहली बार कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मनाया जाएगा आर्मी डे। पहले सेना अध्यक्ष के एम करियप्पा का गृह राज्य है कर्नाटक। बूस्टर डोज के तौर पर कोवैक्स को अनुमति देने की तैयारी में सरकार। आज आ सकता है फैसला। लाल किले पर लाइट और साउंड शो में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह का यह संकल्प करने का समय। 25 सालों में फिर से देश को सर्वप्रथम बनाने का संकल्प है। भारत जोड़ो यात्रा पहुंची पंजाब। फ्लैग हैंड ओवर के बाद शुरू होगी यात्रा। फतेहगढ़ गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे राहुल गांधी। 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़कर उड़ान भरने वाले गो फर्स्ट ने माफी मांगी। 55 यात्रियों को एक साल के अंदर एक मुफ्त टिकट देने का भी ऐलान किया। श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत की 67 रनों से जीत। विराट की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने दिया 374 रनों का लक्ष्य। 306 रन ही बना सकी श्रीलंका। दिल्ली को झीलों का शहर बनाने की तैयारी। मनीष सिसोदिया ने निलोठी में बनी 3 कृत्रिम झीलों का निरीक्षण किया। भारत का पहला रिवर क्रूज पहुंचा काशी। 4 दिन की देरी से काशी पहुंचा क्रूज। शहनाई बजाकर क्रूज की किया गया स्वागत। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। पहले दिन सीएम ने खिचड़ी मेले की तैयारी का जायजा लिया। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में लगता है मेला। मंदिर परिसर का सीएम योगी ने निरीक्षण किया। उत्तराखंड की महिलाओं को नए साल का तोहफा। राजभवन से सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की मिली मंजूरी। सरकारी नौकरियों में मिलेगा 30% आरक्षण। जोशीमठ के बाद अलीगढ़ में भी घरों में दरारें आई। स्थानीय लोगों ने इलाके में सीवेज के काम में लापरवाही की वजह से दरारें आने का जिक्र किया। नगर निगम पर लापरवाही का आरोप। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत रद्द होने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। आगरा में G20 की बैठक की तैयारी शुरू। दुल्हन की तरह सज रही है ताज नगरी। फरवरी में आएगा G20 का डेलीगेशन। लखनऊ में निवेश बढ़ाने के लिए भव्य रोड शो की तैयारी। 15 जनवरी से 2 फरवरी के बीच यूपी सीडी करेगा रोड शो। हापुड़ में बोरवेल में गिरे 6 साल के बच्चे का रेस्क्यू। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर 4 से 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आगरा में आवारा कुत्तों का आतंक। 9 साल की बच्ची के पैर में बुरी तरह से काटा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हरदोई में समाज कल्याण विभाग में भारी गड़बड़ी आई सामने। 13,803 मृतकों के नाम पर ली जा रही थी वृद्धावस्था पेंशन। विभाग ने पेंशन पर रोक लगाई।